सो गाइस अभी अप्रैल मंथ को स्टार्ट हुए काफी दिन हो गए हैं, लेकिन मैंने आपको न्यू एंड्रॉइड गेम्स के ऊपर एक भी वीडियो बनाकर नहीं दिए। मालिक आगे का क्या सोचा है? तो अब सोचना क्या था, मेरे सामने बस एक ही लक्ष्य था कि मुझे न्यू एंड्रॉइड गेम्स के ऊपर वीडियो बनानी है, और कल रात मैंने अपना वो लक्ष्य भी पूरा कर लिया है। सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में। तो आज के वीडियो का टॉपिक है टॉप 5 न्यू गेम्स फॉर एंड्रॉइड। सो गाइस अभी ना हाल फिलहाल में काफी सारे बढ़िया बढ़िया गेम्स लॉन्च हुए हैं, ये तो लेटेस्ट न्यूज है, जो कि मैं आपको इस वाले वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। एंड इस वाली सीरीज के अंदर मैंने 2GB रैम से लेकर 8GB रैम तक के सभी गेम्स को कवर करा है। सो आप लोग इस वाली वीडियो को लाइक कर दो, एंड ऐसी हाई क्वालिटी गेमिंग सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वाली वीडियो को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरे एक क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस ऑफलाइन गेम्स को खेलने वाले दो तरह के लोग होते हैं, पहले की वो जो कि अपनी मर्जी से ऑफलाइन गेम को खेलते हैं, एंड दूसरे वो जो कि मजबूरी में ऑफलाइन गेम्स को खेलते हैं क्योंकि उनके पास में इतना ज्यादा इंटरनेट नहीं होता। तो आप इनमें से कौन से वाले हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं ऑफलाइन गेम्स के ऊपर जल्दी ही वीडियो लाने वाला हूं। सो गाइस आप लोग अपना आंसर नीचे कमेंट करके बताना, एंड यहां पर से हम लोग अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सीरीज को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं नंबर 1 गेम की। सो गाइस हमारी सीरीज का सबसे पहला गेम है राजी एन एंशिएंट एपिक। ये वाला गेम ऑनलाइन होगा, डाउनलोडिंग साइज होगा 765 MB। ये वाला गेम मार्च 30, 2023 में लॉन्च हुआ है, एंड ये एक इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड एक्शन एडवेंचर गेम है। राजी एक पीसी टाइटल है जो कि फाइनली मोबाइल डिवाइस के ऊपर भी आ चुका है। सो गाइस ये नई काफी बढ़िया गेम है। अभी इस वाले गेम के अंदर आपको स्टोरी मोड एंड कैंपेन मोड देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पर ना आप लोग वॉइस ओवर को हिंदी में भी सेट कर सकते हो, जो कि एक काफी तगड़ा फीचर है। सो गाइस गेम की स्टोरी ना कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि जो राजी है ना वो एक ऑर्फन है, और वो अपने भाई गोलू के साथ में मेले के अंदर काम करती है, एंड रक्षाबंधन वाले दिन मेले के अंदर असुरों का अटैक हो जाता है और वो असुर गोलू को किडनैप कर लेते हैं। अब ऐसे में राजी दुर्गा माता की बहुत बड़ी भक्त होती है, तो राजी दुर्गा माता के पास जाती है और दुर्गा माता उसे एक त्रिशूल देती है, एंड वहीं से राजी की जर्नी स्टार्ट होती है। गेम के अंदर आपको आगे चलकर काफी सारे असुरों से फाइट करनी पड़ेगी, एंड दुर्गा माता को राजी के ऊपर पूरा विश्वास होता है कि वो अपने छोटे भाई को बचा लेगी। ये वाला गेम टोटली फ्री टू प्ले होगा, लेकिन इस गेम को खेलने के लिए आपके पास में नेटफ्लिक्स का अकाउंट होना जरूरी है। सो गाइस ये वाला गेम मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड होगा, तो आप लोग इस वाले गेम को डेफिनेटली ट्राई करना। यहाँ पर से हम लोग अपनी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको बताऊंगा अपनी सीरीज का गेम नंबर 2। तो गाइस हमारी सीरीज का सेकंड गेम है एंडलेस नाइटमेयर 5। ये वाला गेम ऑनलाइन होगा, डाउनलोडिंग साइज होगा 454 MB। ये वाला गेम अप्रैल 4, 2023 में लॉन्च हुआ है, एंड ये एक एपिक हॉरर गेम है। इस गेम के अंदर आपको डीमंस एंड स्कैरी एविल स्पिरिट देखने को मिलेगी, एंड ये वाला गेम एंडलेस नाइटमेयर सीरीज का 5th पार्ट है। इस गेम के अंदर आपको 3D ग्राफिक्स एंड रियल विजुअल इफेक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप लोग रोल प्ले करोगे एक पुजारी का, एंड आपको इवेंट टाइड विलेज की शांति की रक्षा के लिए राक्षसों को भी मारना होगा। सो गाइस गेम की स्टोरी ये है कि इवेंट टाइड विलेज के अंदर कुछ इविल स्पिरिट आ गई है, उन्होंने गांव की पूरी शांति को भंग कर दिया है, एंड आपकी बहन मिसिंग है। रोज रात को ऐसी आवाजें सुनाई देती है जैसे कि कोई भूत रो रहा हो। तो आप इस वाले गेम के अंदर एक पुजारी का रोल प्ले करोगे जिससे कि अपनी बहन को बचाना है और सभी इविल स्पिरिट को मारना होगा। सो गाइस यहां पर ना आपको लार्ज मैप देखने को मिलेगा जिसके अंदर काफी सारे डिफरेंट घोस्ट होंगे, एंड घोस्ट को मारने के लिए आप लोग के पास में 16 अलग अलग तरह की तलवारें होंगी। सो गाइस अगर आपको एक स्टोरी बेस्ड हॉरर गेम चाहिए था तो आप लोग इस वाले गेम को ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर से हम लोग अपनी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको बताऊंगा अपनी सीरीज का गेम नंबर 3। तो गाइस हमारी सीरीज का 3rd गेम है ईगर हंटर लेजेंड। ये वाला गेम ऑनलाइन होगा, डाउनलोडिंग साइज होगा 3.5 GB। ये वाला गेम मार्च 31, 2023 में लॉन्च हुआ है, एंड ये एक 3D रोल प्लेइंग मॉन्स्टर हंटिंग गेम है जो कि सेट होगा एलियन वर्ल्ड में। सो गाइस ये नई RPG एलिमेंट वाला ओपन वर्ल्ड गेम है। इस गेम के अंदर आपको कमाल की ग्राफिक्स क्वालिटी एंड तगड़े लेवल की बॉस फाइट करने को मिल जाएगी। इस वाले गेम के अंदर ना आपको मॉन्स्टर हंटिंग करनी होती है, एंड लड़ने के लिए आपके पास में स्वॉर्ड एंड तीर धनुष जैसे काफी सारे वेपन भी होंगे। एंड जिनको नहीं पता ये वाला गेम ग्लोबली रिलीज हो चुका है, एंड आप इस वाले गेम को प्ले स्टोर से इजिली डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर ना आपको गेम की स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग गेम को आगे कंटिन्यू करना होगा। बीच बीच में आपको काफी कमाल के कटसीन भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको एक PC लेवल का एक्सपीरियंस करवा देगा। तो गाइस अगर आपको एक रोल प्लेइंग गेम चाहिए था एंड आपके डिवाइस में ये वाला गेम कंपैटिबल है तो डेफिनेटली इस वाले गेम को ट्राई करना। यहाँ पर से हम लोग अपनी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको बताऊंगा अपनी सीरीज का गेम नंबर 4।
सो गाइस मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि ATSS गेम का मैं रिव्यू करूं, तो हमारी सीरीज का फोर्थ गेम है ATSS2। ये वाला गेम टोटली ऑफलाइन होगा, डाउनलोडिंग साइज होगा 158 MB। सो गाइस यार ये एक न्यू फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है। इस गेम के अंदर आप लोग को डिसेंट लेवल की ग्राफिक्स क्वालिटी देखने को मिलेगी एंड गेम के अंदर आपको स्टोरी मोड भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एडवांस लेवल का शूटिंग एक्सपीरियंस एंड थ्रिलिंग मिशन कम्प्लीट करने को मिलेंगे। स्टोरी मोड के अंदर काफी सारे लेवल होंगे जिन्हें कि आप लोग को एक एक करके कम्प्लीट करना होगा। बैटल रॉयल गेम की तरह यहाँ पर आप लोग सामने सामने जाकर नहीं भिड़ सकते, आपको कवर ले लेकर शूटिंग करनी होगी एंड एनिमी के पूरे बेस को डिस्ट्रॉय करना होगा। गेम के अंदर आप लोग ग्रेनेड का इस्तेमाल कर सकते हो एंड आपको अलग अलग लेवल में अलग अलग वेपन का इस्तेमाल करने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट पर्सन के साथ में थर्ड पर्सन शूटर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला गेम भी काफी मस्त होगा, आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर से हम लोग अपनी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताऊंगा अपनी सीरीज का गेम नंबर 5। सो गाइस हमारी सीरीज का पांचवा और आखिरी गेम है ट्रायल राइडर्स। ये वाला गेम ऑफलाइन होगा, डाउनलोडिंग साइज होगा 41 MB। ये वाला गेम 31 मार्च 2023 में लॉन्च हुआ है एंड ये ना एक बाइक स्टंट गेम है। बेसिकली ये एक लेवल बेस्ड गेम होगा जहां पर आपको काफी सारे लेवल देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग में तो गेम इजी होगा बट जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे गेम जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो गाइस आप लोग रियल लाइफ के अंदर तो बाइक से फ्लिप नहीं कर सकते बट यहाँ पर आप लोग वो चीजें भी कर पाओगे। ये एक 3D ग्राफिक्स वाला गेम है जहाँ पर आप लोग को डिसेंट लेवल की ग्राफिक्स क्वालिटी देखने को मिलेगी। एंड गाइस वैसे ना ये वाला गेम प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल नहीं है बट आप इसे थर्ड पार्टी वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। इस गेम के अंदर आप लोग को इजी कंट्रोल्स एंड डिफरेंट लोकेशन देखने को मिलेगी। सो गाइस अगर आपको कम साइज के अंदर एक अच्छा ऑफलाइन गेम चाहिए था तो आप लोग इस वाले गेम को ट्राई कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पर मैं आप लोग को न्यू एंड्रॉइड गेम्स की सीरीज के पांचों के पांच गेम बता दिए हैं। टाइम आ चुका है सीरीज को यहीं पर एंड करने का। तो अगर आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी और अमेजिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग को सभी गेम्स की लिंक मिल जाएगी तो आप लोग जाकर गेम को चेकआउट कर सकते हो। आप लोग इन वाले गेम्स को एंजॉय करो, मैं आपसे किसी ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के अंदर दोबारा मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।